और ये जो मक्के का जो प्रक्रिया है, हो गई मक्के की बाली। आप हैं तो लगता है कि 60 है ना, ऑटो वाले के पीछे छोड़ दिए तो लग रहा है। देखिए जो मक्का जो आया था फुल्ली तौर पर, अब ये जो है जगह पे जा रहा है। आपको जान गई, राम बाबू भाई हैं जो कि साथ में कभी पढ़ाई करते थे। और ये जो मक्के का जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है, देखिए कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है। काफ़ी आपको देख करके हैरानी होगी, अचंभित हो गए होंगे आप कि भाई इसको इस तरीके से क्यों रखा जा रहा है। दोस्तों यही मेरी फैक्ट्री है जो कि पुरानी हो चली है, लेकिन इस कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड। और कभी भी किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर रखा जा रहा है बोड़े का बोड़ा जो है मक्के का, जो मक्के की जो बाली है वो, और इसको हम लोग सावधानी पूर्वक इससे कठोरी बनाएंगे। और जो इसके अंदर जो मक्के का जो दाना है, ये दाना तो जानते ही आप कि इसको खाने के इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं। पॉपकॉर्न के तौर पर खाइए, मक्के की रोटी खाइए, या फिर इसका दाना के तौर पर जानवरों का खिलवाइए, एज यू विश। दोस्तों गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, मई का महीना है और आप समझ सकते हैं वो भी बिहार में गर्मी स्वाभाविक है। फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ अपने फैक्ट्री में। देखिए किस तरीके से लोग मक्के से भरा हुआ बोरी को लाने का काम कर रहे हैं, और इस फैक्ट्री में, इस स्टोर रूम में इसको रखने का काम हो रहा है, जो कि अपने आप में एक अलग मैसेज दुनिया को देना चाहता है कि भाई ऐसा भी कुछ मुमकिन है, ऐसा भी कुछ संभव है। तो आपको देख करके आश्चर्य होगा कि भाई क्या कुछ। चलो भाई एक उठा के दिखाते हैं। ये हो गई मक्के की बाली। आपके यहाँ कहीं कहीं इसको भुट्टा बोला जाता है, कहीं कहीं मक्के की बाली बोली जाती है, कहीं कहीं हर जगह पे अपना अलग अलग कुछ कुछ नाम होता है। लेकिन ये है बड़ी काम की चीज़, और ये इतनी काम की चीज़ है कि अब बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसको अभी मैं स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सीजन है मक्के का, और इसको स्टोर कर रहा हूँ। इसके अंदर दाना है, उस दाने का इस्तेमाल हम लोग खाने पीने में करेंगे, फिर उसके बाद इसके कवर का इस्तेमाल कहाँ होगा वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वो दिन तो लद गया है जब एक एक चीज़ों को बताया जाता था, लेकिन अब सारी चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। और काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त खुद लगना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। लेकिन दोस्त स्टार्टअप है, एक उद्यमी के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़ा जो है डिफ़िकल्ट जॉब हो जाता है, बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। दुनिया को कुछ नया देना, ज़मीन से लेकर के चलना पड़ता है। अभी शाम के 4:10 52:53 हुए हैं, फिर भी धूप आपको नज़र आ रही है किस तरीके से हमारी आंखों पर चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है। लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो हिम्मत से जो है कभी भी हार तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। और देखिए किस तरीके से आपको, ये रही जुगाड़ वाली गाड़ी, और ये रहे इसके मालिक, गाड़ी के मालिक प्लस गाड़ी के ड्राइवर। और कभी भी आपको ज़रूरत पड़े जुगाड़ वाली गाड़ी की, तो इनसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। ये बहुत अच्छा चालक हैं, सावधानी के साथ गाड़ी को चलाते हैं, उसके साथ साथ जो है बड़ी तेज़ भी चलाते हैं। इनकी गाड़ी जब एनएच पर रहती है तो कितना का स्पीड चला लेते हैं, लगभग स्पीड 50-60 पहुँचा देते हैं। अरे इस गाड़ी को 50-60 पहुँचा देते हैं। 50 इसमें मीटर उधर है नहीं, तो कैसे पता चलता है कितना चलाते हैं? लग जाता है पता लग जाता है, मतलब मोटरसाइकिल वाले के पीछे जब छोड़ देते हैं तो लगता है कि 60 है ना, ऑटो वाले के पीछे छोड़ दिए तो लग रहा है कि 50 है। ये बुद्धि का कितना तेज आदमी है, बाइक वाले के पीछे छोड़ दिए समझिए कि 60 स्पीड है, ऑटो वाले के पीछे छोड़ दिए समझिए कि 50 स्पीड है, 40 स्पीड है। तो समझ सकते हैं कि भाई ये बड़ी काम की चीज़ है। बहुत बेहतर लगा हो दोस्तों आज का की जो वीडियो है, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है। ये रहा देखिए एक एक करके उड़ता उड़ के जो है मक्के का कि जो मतलब मक्के की जो बाली है उड़ के यहाँ पे फैक्ट्री में आती हुई जा रही। फिर मिलते हैं दोस्त इस वादे के साथ कि देखते हैं आगे क्या कुछ हो पाता है। रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का जो होर लगा हुआ है, होर मचा हुआ है, यही रॉ मटेरियल जो है अच्छा बेनिफिट दिलाएगा और स्ट्रेस से, तनाव से मुझे बचाएगा। फिर मिलते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद।